हल्द्वानी पुलिस ने नोएडा से व्यापारियों से धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सचिन गिफ्ट का कारोबार करता है। करीब एक महीने पहले आरोपी हल्द्वानी के 5 व्यापारियों से करीब 6 लाख रुपए की स्टेशनरी गिफ्ट के सामान उधार लेकर फरार हो गया। बाद में आरोपी ने उधार से लिए सामान को नोएडा और अन्य जगहों पर सस्ते दामों में बेच दिया। गिरफ्तार सचिन अग्रवाल से पुलिस ने 5,51,000 रुपये बरामद किए हैं। तो पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5 कारोबारी से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इस पर आरोप लगा था। आरोपी से 5,51,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। हल्द्वानी में कुछ व्यापारियों के साथ एक सचिन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। 5 व्यापारी थे जिनकी तहरीर पे ये अभियोग पंजीकृत किया गया। 420 IPC में इसमें टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा सुराग रस्सी प्रताड़ित करते हुए आज इस अभियुक्त सचिन अग्रवाल को नोएडा से गिरफ्तार किया है। और इसमें जो 6,12,000 रुपये जो धोखाधड़ी हुई थी उसमें से 5,51,000 लगभग 90% धनराशि बरामद कर ली गई है। नोएडा से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको आज गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।